Salman, one last question this side. I apologize to intervene. One last question, Salman, this side. Sorry, Shahrukh, this side. I don't know, where are you speaking from? Shahrukh, this side. Kaha ho, kaha aap? Yahan, I'm literally sorry. Because, yeah, Lipika here. I'm literally sorry. Don't worry, Deepika, it's all right. Lipika. Oh, I'm so sorry, Deepika. I'm extremely sorry. You asked to ek bar ek baat karna abhi ye show ke baad na jo tu pee ke aaya mujhko bhi pilana please yaar. Bahut maza aa raha hai mere ko yaar. Humko bhi utna hi maza karna jitna maza tu kar raha hai is waqt. How much do you feel in your young days means? Teri kya umar hai? दाढ़ी को डाई किया ना तूने? डाई किया ना दाढ़ी तूने? फिर क्या बोल रहे हो तुमसे यंग एज यंग एज? हाँ अब बोल रहा कॉलेज डेज अभी हाँ अब्बू फिर आप बुड्ढा है ही हो हाँ अब्बू फिर आप बुड्ढा है ही हो अच्छा इस आपने इससे पहले कहा था कि आपकी हर फिल्म में आपकी हीरोइन का नाम सबसे पहले आएगा तो इस फिल्म में भी ये होगा जी विवान का नाम सबसे पहले आ रहा हाय शाहरुख दिस इज उर्वी यू आर फ्रॉम पिंकुला टू योर राइट हाय उर्वी हाय माय क्वेश्चन इज टू यू एंड काजोल बोथ वी जस्ट नाउ हैड गॉन फॉर अ तमाशा इवेंट Where Ranbir and Deepika both said that your and Kajol's chemistry is beyond palang tod, and they also said that you know nobody can replace y'all. What is your reaction to this comment? इनका सवाल है उर्वी का कि रणबीर और दीपिका ने कहा है कि हमारी जो chemistry है is beyond palang tod. Let me specify. Palang tod is their chemistry rating meter, which is palang tod is the highest. So that is what they said. इतना तो मुझे भी मालूम है. मैं सिर्फ लगता gentle हूँ नहीं मैं. आप जवाब दें इसका please. देखिए हम शादीशुदा लोग हैं हमसे ऐसी बातें मत किया करो तुम लोग यार. But it's very sweet of them. I think they are wonderful. They are great friends, great co-actors. I worked with them. I don't know if you worked with either of them, but they're beautiful people. And I actually, as a matter of fact, on the way, जब मैं traffic को beat कर रहा था, तो मैंने पढ़ा उन्होंने जो कहा. And it's first of all, I think it requires a really big heart and to have this kind of feeling for other actors. And of course, we've been there for 20 years, and we've tried to create by chance actually. हमको तो मालूम नहीं पड़ती कि हमारी मतलब खिड़की तोड़ है पलंग तोड़ है क्या हम बस हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं है और हमारा जो हाँ घर तोड़ कुछ पता ही नहीं है हमको तो हम बस जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव दिस थॉट इन अ माइंड आई थिंक इसलिए ज़्यादा नेचुरल लगता है बट हैविंग सेड दैट आई थिंक बोथ ऑफ देम आर फैंटास्टिक टू अब वो पलंग टूटता है नहीं टूटता उनसे मुझे मालूम नहीं लेकिन वो भी सॉलिड है वो शाहरुख जी आपके राइट में शाहरुख जी किधर किधर आपके राइट में शाहरुख जी शाहरुख जी जब से फिल्म जीरो का टीज़र आया है तब से हमारे सोशल मीडिया पर जो भी इंडियन क्रिकेटर जो है जीरो पर आउट होता है उसकी ट्रोलिंग की जाती है कि क्यों भाई आप जीरो को प्रमोट कर रहे हैं क्या आपसे ऐसे जानना चाहूँगा कि वो ऐसे कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जिसे आप चाहेंगे कि ये जीरो पर आउट हो और थोड़ा सा और प्रमोशन हो हमारी फिल्म जीरो का सर दिस इज फिजिक्स एंड मैथ्स मिक्स्ड टुगेदर मैं तुझे बताता हूँ मैं जिस जगह पर मैं बैठा हुआ अगर मैंने इंडियन क्रिकेटर की छोटी सी भी कोई बात ऐसी बोली जो गलत है यहीं से तमाचा आएगा करके ऐसा मालूम है कहाँ बैठा हुआ तो शर्म नहीं आ रही सवाल करते जानता कौन है ये इसीलिए तो पूछा ये मिसेस क्रिकेटर हैं और इनके सामने हम इंडियन क्रिकेट की कोई भी टीम की बात को छोटा कह सकते हैं शर्म आनी चाहिए तुझको Maybe we move to our next question. Mr. Khan, you are the senior most over here and the producer. No, Baman is by far the senior most. Do you think Baman is younger than Shahrukh? Yeah. Bobji. Security, is aadmi ko baar phek do. So Shahrukh, could you please allow me if I can? I ask Farah and then come back to you. बेटा जो करना है तो बुड्ढा बोल दिया तूने जो करना कर तू.
तो लगता है कि ये पूरी की पूरी सभा तेरे बाप की है, जो करना है तू कर बेटा। मेरा प्रश्न है, बोल ही दो, बहुत गुस्सा हो रहा है आप। हाँ, अपना टाइम शुरू जैसा आपका टैगलाइन है फिल्म का, तो इसमें मैं पूछना चाहती हूँ कि समय, टाइम आपके लाइफ में कितना ज़रूरी है और इसको आप किस तरीके से फॉलो करते हैं, या हर किसी के लाइफ में कितना ज़रूरी होता है? और आपका तो पहले से शुरू हो गया। पहले तो मैं ये बात को बता दूँ कि मैं वक्त पे ही आता हूँ हर जगह, तो आप जानते हैं। इतना तो मत हंसो यार, थोड़ी मेरी आँख की शर्म तो रख लो, मुँह पे हंस रहे हो सबके साथ। फरा, पहली बार आपने इंडिया से बाहर शूटिंग किए, ऐसा क्यों? स्क्रिप्ट की डिमांड थी सुमित, मतलब जो न्यू ईयर था वो दुबई में होता है, और इसीलिए, क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखा गया था ऐसा। फरा, यही होता है कि हर साल सब लोग, आप लोग दुबई चले जाते हो, 31 से लेके 3 तारीख तक सब लोग दुबई में। मैं पहली बार गई हूँ दुबई यार। पर लोग दुबई जाते क्यों हैं स्टार्स? हाँ सॉरी, क्यों गए थे तुम लोग दुबई? कम वक्त तो एक बार एक बात करना, अभी ये शो के बाद ना जो तू पी के आया मुझको भी पिलाना प्लीज यार, बहुत मजा आ रहा है मेरे को यार, हमको भी उतना ही मजा करना जितना मजा तू कर रहा है इस वक्त। सर, वेडिंग सीजन है बॉलीवुड में, रणवीर सिंह, दीपिका, प्रियंका चोपड़ा सभी शादियां कर रहे हैं। अनुष्का, यू हैव स्टार्टेड द ट्रेंड, अनुष्का यू हैव स्टार्टेड द ट्रेंड ऑफ वेडिंग, एंड वेडिंग सीजन है अभी बॉलीवुड में, तो आप क्या विशेष देना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स? ये ट्रेंड ना मेरे बाप मां ने शुरू किया था, इसने थोड़ा ट्रेंड इसने कैसे कर दिया? अनुष्का ने शादी की तो सब शादी, ऐसे थोड़ा होता है, शादियां तो कब से हो रही हैं। तो रणवीर, दीपिका एंड आपके क्लोज फ्रेंड्स है प्रियंका एंड ऑल, सब शादी सब कर, सब करें माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। मैं क्या करूँगा उनकी शादी में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मैं क्या करूँगा यार? वो करेंगे शादी, वो मजे करेंगे, वो करेंगे बच्चे, मैं क्या करूंगा? मैंने जो करना था कर चुका हूँ। आप जा रहे हो शादी में? बार बार शादी करता रहूं, ऐसे थोड़ा होता है। अनुष्का, आप क्या कहेंगे? यू हैव स्टार्टेड द जो ट्रेंड तूने शुरू किया था, होता इट्स लाइक एक ऐसा करते हैं, एक ऐसा करते हैं, मैंने ना एक साइट पे देखा हुआ है, क्या कहते हैं, ए और ने फॉर द ट्रेंड, ये और ने, तो जो इसने ट्रेंड शुरू किया है उसके लिए ये, किनके ये बोलो सब, इसने जो ट्रेंड शो किया है शुरू किया शादियों का, इससे पहले जो एग्जिस्ट नहीं करता था, और तुम लोग कैसे पैदा हुए मुझे पता नहीं, बट सब बोलो ने ने ज्यादा है, तो तेरा ट्रेंड फ्लॉप हो गया। I think what she means, the lady, is that Anushka's wedding was so beautifully and classily done that it re-inspired us all in love again, and I agree with what you're saying, because I remember when I saw that picture I got all sentimental and I was like, wow, yeah, that's so nice. And I know everyone felt that way because it was, there was so much beauty in that one picture. Everyone was looking at it and feeling that they were reminded of love again, you know, in that moment. You're right. I also felt it. Maine bhi dekha, main kaha Virat Kohli se meri shaadi honi chahiye. Hi, Shahrukh, Sana from Indian Express. Sir. Serious note, Shahrukh.25 साल हो गए ना, अच्छा एक्टर बन रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि आपके यहाँ आने से मतलब आई सी लाइक लॉट्स ऑफ एवरीवन कम अप ड्रेस्ड अप, लुक नाइस, सो इट्स अ गुड फीलिंग कमिंग हियर, पूजा अच्छी लग रही है, ब्यूटीफुल, शिल्पा आज अच्छी लग रही है। वैसे नहीं लगती, वैसे शिल्पा अच्छी नहीं लगती, अलग लग रही है। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो, आई थिंक सबके सब अच्छे लग रहे हो, एंड नेक्स्ट टाइम हम ऐसा करेंगे कि ईद में ना सब ड्रेसअप होके आते हैं, सबके सब ऐसा रूल बनाते हैं, और काम करने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट काम करेंगे और उसके बाद हम सेलिब्रेट करेंगे 2018 में। हाँ 2018 में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा ये रूल बनाते हैं, सुमित आप डिसाइड करना ड्रेस कोड लड़कियों का, कलर और लड़कों का, और हम सब वैसे पहन के आएंगे। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं भी जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं एक महीना पहले कांटेक्ट करके तो सबको आप आगाह कर देना कौन से कपड़े पहनने, कुर्ता पजामा है, सलवार है, कि सब सलवार कमीज पहनेंगे, अचकन पहनेंगे, सूट पहनेंगे, टी शर्ट शर्ट पहनेंगे, जो आपका दिल करे। कलर कोड आप डिसाइड कर लेना कि लड़कियाँ लाल में होंगी या पीले में होंगी, सफ़ेद में होंगी, लड़के काले में होंगे, लाइट ब्लू में होंगे, सो एटलीस्ट सब सेम के सेम लगेंगे। And before you leave, just pose for the cameras.
फिर से अभी तो तारीफ किया, पांच मिनट क्या मैं यहाँ पे अलग हो। थैंक यू एवरीबॉडी, मुबारक। थैंक यू सो मच।